Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shaurya and in this video we will study geography and the chapter is about atmosphere. And today we will tell you about the layers of atmosphere. So let's get started. So there are total 5 main layers of atmosphere. First is the troposphere. Troposphere is the lowest layer of the atmosphere and it is close to the earth's surface. Yani सबसे लोएस्ट नज़दीकी लेयर होता है एटमोसफेयर का और बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है ये अर्थ के सरफेस से. इट टोटल एक्सटेंड इज़ अबाउट 8 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर, यानी कि ये 8 से लेके 18 किलोमीटर तक इसका पूरा एरिया फैला होता है, ये इतनी दूर में होता है. राइट, अगर हम बात करते हैं इसकी टेम्परेचर की, सो इफ़ यू इंक्रीज हाइट देन इट विल डिक्रीज द टेम्परेचर. यानी कि अगर आप हाइट में ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर नीचे आता रहेगा और इट विल बी रीचेज अप एट टू 1 degree Celsius. कैन यू गाइस इमेजिन 1 degree Celsius? यस. वन थिंग मोर अबाउट, अगर एटमोसफेयर टोटल 100% है तो उसमें से 90% ट्रोपोस्फेयर ही होता है. 90% टोटल ट्रोपोस्फेयर होगा, रिमेनिंग के 10% जो है उसमें वो आगे के 4 layers आते हैं. सो टोटल 90% गोज टू द ट्रोपोस्फेयर. राइट, ओके, लेट्स टॉक द स्पेशलिटी अबाउट दिस लेयर. दैट दिस लेयर इज लाइक अबाउट ऑल द वेदर फिनोमिया. ऑल द वेदर्स लाइक क्लाउडी, फॉगी, फ्रोस्ट, स्टॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, एवरीथिंग अबाउट वेदर इज रिलेटेड टू दिस लेयर. कुछ भी होगा वेदर में, कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, बारिश आ रही है, धूप निकल रही है, वेदर चेंज हो रहा है, तो वो इसी लेयर में होगा. इट लेयर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड इट कीप्स द अर्थ वार्म ड्यूरिंग द नाइट. सो इट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस लेयर कि दिन में हमें सूरज की बिल्कुल तपती हुई गर्मी से हमें बचाता है एंड नाइट में हमें हमारे अर्थ को वार्म रखता है ताकि ज़्यादा ठंडी या कोल्डनेस ना आए. सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस. ओके, सो दिस इज़ अबाउट ट्रोपोस्फेयर. लेट्स कम टू द सेकेंड लेयर विच इज़ द स्ट्रैटोस्फेयर. इट इज़ जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर. इट्स टोटल एक्सटेंड इज़ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द ओशन लेवल, यानी कि ओशन लेवल से 50 किलोमीटर तक ये पूरा फैला होता है. ओके, अगर हम बात करें इसकी स्पेशलिटी की, तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जितने भी जेट फ्लाइटर्स, प्लेन्स फ्लाइट्स, वो सारे ना इसके लोअर पार्ट में फ्लाई करते हैं. अगर आपने इसे किसी लोगों ने कभी भी फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा, तो जब वो फ्लाइट फ्लू करती है, उड़ती है, तो आप देखना कि वो हमेशा स्ट्रैटोस्फेयर के लोअर पार्ट, यानी कि उसके नीचे हिस्से में, जिसका नीचे वाला हिस्सा है उसमें उड़ेगी. तो अगर आप कभी जाओगे या फिर विल फ्यूचर में जाओगे तो नोटिस करना है इसको. ये एक इसकी मेन फीचर है. वन थिंग मोर अबाउट दिस, दैट इस लेयर में एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर है. अब वो लेयर कौन सी है? वो लेयर है ओजोन. यस गाइस, ओजोन. ओजोन हमारे अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज और यूवी रेज ऑफ द सन से प्रोटेक्ट करता है. अगर ओजोन ना हो तो हमारा अर्थ जस्ट बर्न हो जाएगा, उसके हार्मफुल रेज आ जाएंगी एंड जस्ट लाइक बहुत सारा डिजास्टर हो जाएगा. और वो ओजोन ही हमें प्रोटेक्ट करता है और वो इसी लेयर में पाया जाता है स्ट्रैटोस्फीयर में. इसीलिए स्ट्रैटोस्फीयर को हम ओजोन स्फीयर से भी जाने जाते हैं. क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि उसमें ओजोन अवेलेबल रहता है. वन थिंग मोर अबाउट ओजोन लेयर, ओजोन लेयर 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के रेंज के बिटवीन में होता है. यानी कि अगर पूरा 50 किलोमीटर तक है उसका, तो वो 15 से लेके 35 तक सिर्फ ओजोन का होता है. राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटोस्फीयर. लेट्स कम टू द थर्ड लेयर विच इज़ द मीसोस्फीयर, विच इज़ जस्ट अबव द स्ट्रैटोस्फीयर. ओके, सो मीसोस्फीयर इज जस्ट लाइक कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर. यानी कि पूरे पाँचों के पाँचों लेयर में सबसे कोल्डेस्ट वहीं होता है. राइट, अगर हम इसकी एक्सटेंशन की बात करें कि ये कितना देर में, कितना दूर में फैला हुआ है, ये कितने में है, तो इसका जो टोटल एक्सटेंशन है वो है 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर. यानी कि 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में पूरा मीसोस्फीयर हमारा कवरअप हो जाता है. अगर बात करें इसकी टेम्परेचर की, तो जैसे सेम है, जैसे हम हाइट में इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगेगा,
हाइट में जाएंगे तो टेम्परेचर कम होने लगेगा, और आपको पता है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, इट विल बी गोज फॉर -90 degrees Celsius, -90 degrees. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. वन थिंग मोर अबाउट, देन देयर इज अ मेटोरिटीज ओकेजनली कम आउट इन आवर अर्थ, ट्राई एंटर टू स्पेस आवर अर्थ, दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज. कभी भी कोई भी अचानक से कोई टूटा हुआ पत्थर हमारे अर्थ पे टकरा के आने वाला है या कुछ होने वाला है, तो जैसे वो इस लेयर में आएगा वो बर्न हो जाएगा. तो एक तरह से ये भी हमें प्रोटेक्ट करता है इन सब चीज़ों से, राइट. इसका जो अपर वाला पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर का, जैसे एक ये है पूरा स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें एक लाइट, मतलब एक ब्राइट कलर्ड लाइट रहती है, ब्राइट कलर्ड बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं अरोरा. तो अगर आप किसी से पूछा गया कि अरोरा किस में है, तो वो मेसोस्फीयर में है और उसके अपर वाले पार्ट में है, यहाँ वाले अपर वाले पार्ट में. सो दैट्स अबाउट मेसोस्फीयर. लेट्स कम टू द फोर्थ लेयर विच इज़ द थर्मोस्फीयर. सो थर्मोस्फीयर इज द फोर्थ लेयर, इट इज़ जस्ट अबव द मेसोस्फीयर एंड टोटल एक्सटेंशन ऑफ दिस इज अबाउट 80 kilometers to 450 kilometers. यानी कि 80 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर तक इसका पूरा एक्सटेंशन फैला हुआ होता है. चौथी लेयर होती है हमारी ये, इफ टॉक अबाउट द टेम्परेचर. सो जैसे हम इसके हाइट में इंक्रीज करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, इस बार डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा. इट विल रीचेज अप टू 1500 degrees Celsius. कितना डिग्री सेल्सियस? 1500 degrees Celsius, टू मच, राइट. तो जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होगा. वन थिंग मोर अबाउट दिस लेयर कि इस लेयर को हम आइनोस्फीयर भी कहते हैं. अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आइनोस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू. सपोज दिस इज अ मोबाइल है, आई कांट प्रेस इट, आई कांट पुश इट, आई कांट स्क्यूज इट. मैं इसको नहीं मोड़ पा रही हूँ, नहीं छोड़ पा रही हूँ, ये वैसा का वैसा है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, उनमें बिल्कुल स्पेस नहीं है और हम उसे ना ऐसे मोड़ पा रहे हैं ना कुछ पा रहे हैं. जैसे उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे बिल्कुल ऐसे पास में हैं. अगर ये एक सब्सटेंस है तो इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे पास में हैं, कोई भी गैप नहीं है इनके बीच में. अगर मैं बात करूँ एक बैलून की, अगर मैं एक बैलून की बात करूँ तो हम उसको ईजिली प्रेसअप कर सकते हैं, उसको ईजिली पुश कर सकते हैं, स्क्विश कर सकते हैं, राइट. क्यों? क्योंकि उसमें ना जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीली होते हैं. अगर मैं बैलून है ये एक और इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, गैप होता है. तो उसी मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है. वैसे ही इसमें भी आइनोस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे इसको आइनोस्फीयर से भी जाना जाता है. वन थिंग मोर स्पेशल अबाउट दिस लेयर दैट दिस लेयर इज़ लाइक वॉट इट इज़ अ जस्ट फोर्थ लेयर आई टेल यू अबाउट. एंड अभी आइनोस्फीयर के बताया मैंने. इस लेयर में एक इसकी स्पेशलिटी और होती है कि इसका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. अगर हमें स्पेस के बारे में कुछ भी पता करना है कि इसमें क्या हो रहा है, हम यहाँ से सीधा कॉन्टैक्ट करके रेडियो वेव स्पेस में भेजेंगे और हमें सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि स्पेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें थर्मोस्फीयर इज द ग्रेटेस्ट. लेट्स कम टू द फिफ्थ लेयर विच इज द एग्जोस्फीयर, द लास्ट लेयर. ओके, सो एग्जोस्फीयर का मतलब टेम्परेचर, मतलब सॉरी डिस्टेंस और उसका जो एक्सटेंड है मैं क्या बताऊँ, क्योंकि वो स्पेस के पूरा आउटर होता है, क्योंकि लास्ट लेयर है तो पूरा स्पेस के आउटर होता है, राइट. वन थिंग मोर अबाउट दिस लेयर कि ये जो लेयर है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है. अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन उठता है कि डेंसिटी क्या है. लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एक्टिविटी. सो here we gonna take a bowl, pour some water into it, and here I will take a piece of a paper and just pour into water. What will happen? You can tell me. Yeah, you are right. It will flow. ये तैरने लगेगा. Let's see. मैं यहाँ paper में डाल रही हूँ और ये डूबा नहीं, ये तैरने लगा. Why? क्योंकि यहाँ पे इस paper की जो density है वो बहुत ज़्यादा low है इस पानी के सामने. अगर compare किया जाए तो ये पानी की density ज़्यादा है. अगर वहीं मैं इस पेपर को वापस कर लूँ, रख लूँ, और फिर ये एक आयरन की है, लोहे की चाबी, और इसको मैं इसमें डालूँ, ये सिंक हो गया, ये तैर नहीं रहा, ये सिंक होगा. क्यों? क्योंकि इसमें जो इसकी डेंसिटी है वो ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द वाटर. सो हेयर डेंसिटी इज अबाउट ऑल द वेट, ऑल द मास, कि उसमें कितना मास है, कितना वेट है. वैसे ही
ये जो लेयर है ना इसमें बहुत कम डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा कम, वेरी लो डेंसिटी। और ये लेयर जो है बहुत लाइट गैसेस कंटेन करता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, हमें इन सब इस लेयर में पाए जाएंगे। ओके, एंड अगर हम इस बात की, इस लेयर की टेम्परेचर की बात करें तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, मतलब अगर हाइट में जाएंगे, इंक्रीज होंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। इट विल रीच अप टू 4500 डिग्री सेल्सियस, 4500 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच सकता है। सो सोचो इसका अंदाज़ा लगाओ कि कितना हॉट होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फाइव लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।